Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot of Six Way Truth Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आफ्टर द 77 पोर्टल 2023 दैट इज 777 पोर्टल. ओके, सो ऑफकोर्स क्या होने वाला है आपके जिंदगी में आफ्टर दिस इम्पोर्टेंट पोर्टल, इसको लेके मैंने ऑलरेडी एक कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन किया था जो शायद आपके जो आई बटन है उसमें जा रहा होगा. तो अगर आपने नहीं देखा है बाय चांस तो आप जरूर देख लीजिएगा. टुडे आई एम गोइंग टू डू इट विद दिस टैरो कार्ड्स एंड ब्यूटीफुल ओरेकल कार्ड्स. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस, 777 पोर्टल के बाद क्या क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें. आप जानते हैं 7 इज दैट नंबर, ओके, विच डिनोट्स द केतु. बेसिकली प्लैनेट जो है, एक्चुअली उनको प्लैनेट्स के हिसाब से नहीं गिना जाता है. केतु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. ओके, केतु एक्चुअली इज द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ आवर जर्नी. ठीक है, आध्यात्मिक चीजों के साथ केतु को जुड़ा जाता है. 7 इट इंडिकेट्स, यू कैन से दैट ऑफकोर्स इट इज द डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, सो 7 इज ऑल्सो वंडरफुल नंबर. जैसे आप जानते हैं इंद्रधनुष का भी 7 रंग है. ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी है, 7 फेरे भी लिए जाते हैं, 7 समंदर भी है. तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है. सो ऑफकोर्स इट्स ऑल्सो अ मैजिक नंबर. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट ये 777 पोर्टल के बाद डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट होगा. सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज. क्लेम करें है रीडिंग को, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर क्लेम करें. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है अवेकन ऑल योर सेंसेस. ओके, यहाँ पे है हमारे पास 25, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव. वी डू हैव, इट्स अ टाइम फॉर अ चेंज. ओके, 17 नंबर, फ्लेम्स ऑफ डिजायर. We do have, you are caught up in drama. We do have, recognize despair as an opportunity. Okay. Awaken the magic of your creativity. बहुत कुछ चीज है guys. यहाँ पे है द नंबर 13, राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ. ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड वी डू हैव डेक, वी डू हैव द लोटस विद न्यू अवेकेंस. 41, यहाँ पे देखो एरीज लियो सजिटेरियस है, मेष सिंह धनु राशि है, वर्गो है कन्या राशि है, यहाँ पे एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि है, एरीज एंड स्कॉर्पियो मेष और वृश्चिक राशि है. ऑल राइट, वी डू हैव द लिब्रा तुला राशि है यहाँ पे, वी डू हैव लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, वी डू हैव, ओके, वी डू हैव टॉरस वृषभ राशि भी यहाँ पे है, रोहिणी नक्षत्र, ओके, वी डू हैव दिस वन, यस, रेवती नक्षत्र, वी डू हैव अनुराधा नक्षत्र यहाँ पे है हमारे पास, यस, ओके, वी डू हैव अश्विनी नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी डू हैव पुष्य नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑल राइट, द मंथ ऑफ मार्च इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एनी वे, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है आफ्टर द 77 पोर्टल देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अवेकनिंग ऑफ योर सेंसेस, जैसे जागृति होना, जागरूकता, अवेयरनेस, जितने ये इंसान जो है, जितना हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, जानकारी को हासिल करते हैं, तभी ना हम उस विषय में जान पाते हैं. अगर हम उस विषय में जान नहीं पाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, अंधकार हो जाता है. ठीक है, डार्कनेस ऑलवेज एग्जिस्ट, राइट. सो लेकिन अगर सही रास्ता हमें मालूम चला तो हमें अपने जो रास्ते हैं उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं. I do feel like that after the 777 portal, आपकी जैसे कुछ ख्वाहिश पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा.
आप कुछ चीजों को प्राप्त करना तो चाहते थे, लेकिन आफ्टर द 7-7 पोर्टल ना वो आपके अंदर और भी ट्रिगर करेगा कि चलो आप उस काम को करो, मुझे चाहिए ये, अभी चाहिए। योर पैशन विल अगेन री इग्नाइट, चाहे वो किसी के लिए प्यार हो, चाहे वो किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपके ओन गोल, मोटिव, एनीथिंग इट कैन बी, एम्बिशन, एनीथिंग इट कैन बी, उसके लिए आपको ट्रिगर मिलेगा। जैसे जैसे आपके अंदर से ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि उस काम को करने के लिए। ऑलराइट, एंड यू विल रिसीव द लव विद द सेम रेसिप्रोसिटी, यू कैन से, वही प्यार जो एनर्जी आपने दिया किसी को, ओके, और वही प्यार आपको वापस मिल रहा है जो आपने दिया, जो आपने कर्तव्य किया, सो इट इज गोइंग टू बी रिटर्न्ड टूवर्ड्स यू। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे कि अगर कुछ झमेले थे, अगर कुछ मसले थे आपके फैमिली लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, आपके ऑफिस में, आपके रोजगारी में कुछ प्रॉब्लम था, तो अगर उस ड्रामे को आप झेल रहे थे, आपको हताश हो रहा था, राइट, आप हताश हो रहे थे कि कहीं ना कहीं पे मुझे शायद इस बंद कमरे में ही रह जाना पड़ेगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, यू आर अगेन ओपनिंग इट, ओके। जब हम खिड़की खोलते हैं या दरवाज़ा खोलते हैं तभी ना रोशनी आते हैं, और अगर कोई दरवाज़ा बंद कर देता है, ठीक है, कभी वो खोलने का डिसीशन ही नहीं लेते हैं, तब वो बाहर की वेदर क्या है, बाहर की हालत क्या है, वो कैसे होगा। सो हमारे अंदर भी वही दरवाज़ा है, जस्ट ओपन योर डोर। सो मुझे दिख रहा है आफ्टर द 777 पोर्टल यू विल फाइंड, यू कैन से दैट लॉट ऑफ लव, ओके, फ्रॉम योर कंपेनियंस, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके बैचमेंट्स हो, चाहे आपके सीनियर्स हो, वो प्यार जो आप उनको देते आए हैं, जो रेस्पेक्ट उनको आप देते आए हैं, वही रेस्पेक्ट, ठीक है, आप देंगे। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है अगर आपको इनसिक्योरिटी है प्यार को लेके, अपने प्यार की वो किसी का हो ना जाए, वो कहीं और चले ना जाए, तो आप उनको रक्षा करने के लिए भी आप, मतलब यू विल बी कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग योर लव, जैसे आप उनको रक्षा कर पाओगे, ठीक है, आप नहीं जाने दोगे उनको अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आप कोई भी एंडिंग्स को ऐसा नहीं लोगे कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गया या ऐसा कुछ, बट देर विल बी अ न्यू स्टार्ट इन योर स्टोरी, आपके जीवन कहानी में एक नई शुरुआत होने जा रहा है, इस चीज़ को आपको समझना है। यू विल डील विथ कॉन्फ्लिक्ट, नो डाउट, हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है कि मनमुटाव हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन वो पुराने चैप्टर ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म, और एक नई चैप्टर शुरुआत। जब ख़त्म हो जाता है तब उस चीज़ को आप क्यों आगे लेके आते हो, नहीं लेके आना है ना, राइट। सो बेसिकली आफ्टर दिस 7-7 पोर्टल यू विल नो लॉन्गर बी अटैच्ड टू द ओल्ड मेमोरीज, जो भी पुराने चीज़ें हैं उसको आप निकाल फेंकोगे, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस ले रहे थे आपके ज़िंदगी में, आपके घर में, तो वो स्पेस को आपको बचाना है, स्पेस आजकल बहुत कम हो चुका है, ठीक है, तो उस चीज़ों को आपको बाहर फेंक देना है, और जो अच्छा है उसको आपको रख देना है, प्रिजर्व करना है, जैसे अचार को प्रिजर्व किया है ना, दिस इज़ अ प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट, राइट, जैम्स, जेलीज, पिकल्स, ये सब प्रिजर्व चीज़ें हैं, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि कोई सब्जी वब्जी का नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो वो पहले से ही नमक, तेल, मिर्ची, ये सब डाल के वो लोग प्रिजर्व करते थे, स्टोर करते थे, कि कभी पता नहीं कि शाक भाजी का क्या प्रॉब्लम हो जाए, पहले तो इतना इम्प्रूव नहीं था, राइट, सभ्यता इतना ज़्यादा नहीं था, राइट, उतना टेक्नोलॉजीज भी नहीं थे, तो वो प्रिजर्व करते थे, सो यू नीड टू प्रिजर्व इट, ठीक है, बेसिकली, और वो आप करोगे आफ्टर द 7-7 पोर्टल। यहाँ पे क्या है, देखो, जब आप अपने चारों ओर घुटन ही घुटन महसूस करते हो, तब क्या होता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एक विजडम है, आपके अंदर जो एक बेसिकली टैलेंट है, हुनर है, वो बाहर नहीं आता, वो कब्जा होके अंदर रह जाता है।
सो आफ्टर द 7-7 पोर्टल यू विल ऑल्सो कंट्रोल योर ओन फियर. आप अपना डर, आप अपना भय जो है, संकट जो है, वो आप खुद ही ठीक है ख़त्म कर दोगे. नहीं, मुझे किसी से डर नहीं है, भय नहीं है. एंड आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल बी एन्जॉइंग योर सेल्फ, यू विल बी पैम्परिंग योर सेल्फ अलॉट. हो सकता है कि कुछ लोग स्पा में चले जाए, कुछ लोग बाहर चले जाए घूमने के लिए, कुछ लोग फैंटेसी वर्ल्ड में जीने के लिए, कुछ ऐसे म्यूजियम्स में चले जाए. आई डू फाइंड लाइक दैट एन्जॉइंग योर सेल्फ इन एन अम्यूजमेंट पार्क, कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. एक रिसॉर्ट में आप रह रहे हो, बहुत अच्छा सा रिसॉर्ट है, स्विमिंग पूल है सामने, यू आर एन्जॉइंग विथ योर फैमिली. सो आई डू फाइंड लाइक दैट एक नई तौर से, अभी एन्जॉयमेंट तो हर रोज़ पॉसिबल है ही नहीं और वो होना भी नहीं चाहिए, बट आई डू थिंक सो दैट आफ्टर द 7-7 पोर्टल यू विल फाइंड दैट पीस. देखो, अगर हम इस चीज़ को गहराई से देखें, आपके मन में जैसे 7 इज ऑल्सो नोन एज द इन डेप्थ नंबर, ओके. सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इस तरह से है कि अंदर ये जो है, दिस इज द सी, ठीक है, एकदम सी, समुंदर के बीचों बीच है. इट्स लाइक अ सबमरीन जिसके अंदर वो बैठी है, या वो कोई होटल रूम में है जिसका जो विंडो है इससे बाहर पूरी तरह से समंदर है. अगर आप जानते हैं इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इट्स लाइक दैट, कुछ इस तरह का होटल सेटिंग्स होते हैं जो समुंदर के बीचों बीच एकदम, ठीक है. यहाँ पे जेली फिश है. सो बेसिकली दिस पर्सन इज कॉट अप इन अ ड्रामा, मतलब उसके साथ जिंदगी में बहुत कुछ हादसा हो गया है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसके बाद आप ये जो 7-7 पोर्टल, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो चुका है जो आप शायद कह के भी स्टॉप नहीं हो सकते. एक एक बुक लिखा जा सकता है, राइट, एक ऐसा किताब लिखा जा सकता है आपके बारे में, ओके. बेसिकली यू विल बी लीविंग ऑल दोज थिंग्स. यहाँ पे आप सब कुछ जैसे छोड़ रहे हो, जैसे आप मज़ा कर रहे हो, ठीक है. यू विल जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू नर्चर, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है. एंड द लोटस विद इन यू अवेकन्स, आपके अंदर जो एक कमल है वो खिलेगा, ठीक है. और आपको किसी की भी ज़रूरत, मतलब क्या है, आपको किसी की भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड, ओके, उस तरह से है. लेट मी सी विद द टैरो कार्ड्स. ओके, 7 of Cups, देखा, फैंटेसीज, विल ऑफ फॉर्चून या विल ऑफ कर्म, 10 of Cups, सो 10-10 गाइस, 5 of Swords, 3 of Cups, 0 the Fool. बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि कोई भी सुटेबल चॉइसेस में से आपको एक चॉइस, एक पर्टिकुलरली एक चीज़ आपको पिकअप करना पड़ेगा, ठीक है. एक ही चीज़ आपको पिकअप करना है. बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ. जैसे मैंने आपको बताया 7 अजूबे, तो 7 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है. पर हर एक ऑप्शन के आपके लिए सुटेबल है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है. तो हर एक ऑप्शन आपके लिए सुटेबल नहीं हो सकता, उसमें से कोई एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. एंड यू विल डू दैट. सो आफ्टर द 7-7 पोर्टल, जैसे मैंने आपको बताया कि है कि जब हमारे पास खुशखबरी आते हैं उसके साथ साथ एक झमेला भी हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, एक तकरार भी हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है. क्यों होता है वो? क्योंकि आसपास के माहौल की कुछ इस तरह से है कि हमें शांति से जीने नहीं देते. खुद तो शांति से जी नहीं सकते लोग, और हमें भी जीने नहीं देते. इस दौरान आपके अंदर जो अंदरूनी शक्ति है उस चीज़ को वो आप खुद ही फाइट करेंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो आई डू फाइंड लाइक दैट बेसिकली यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशंस हो सकते हैं आपके घर में. कुछ ऐसा हो सकता है कि बेसिकली यू कैन से लाइक दैट, जैसे बोला जाता है ना कि अचानक, जैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं किया था कोई आपके
फ्रेंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, मे बी फॉरेन कंट्री से आपको मीट करने के लिए आ रहे हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगा ऐसा। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके घर में नए रिश्ते आए और सब लोग तो मौज मस्ती में हैं कि अरे वाह अभी तो शादी ब्याह का घर है, अभी बहुत इन्जॉयमेंट होगा, ठीक है नाचेंगे गाएंगे एकदम मस्ती करेंगे, उस तरह का माहौल उस तरह का मूड बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू चेंज इन योर करियर इन योर लाइफस्टाइल, हो सकता है कि आप ऐसा सोचते थे कि नो इट इज़ बेटर यू कैन से दैट टू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन आप सोचोगे कि नहीं अपने गाड़ी खरीद लेते हैं या टू व्हीलर खरीद लेते हैं, लेट मी ट्राई ओके एंड वो वरना बहुत लेट हो जाता है या लेट पहुंचते हो ऑफिस में। सो बेसिकली आप अपने करियर को लेके भी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे एंड यू स्टार्ट फ्रॉम ओके द ज़ीरो लेवल। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है जहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस लगभग ना के बराबर है, लेकिन आपको ट्रेन किया जाएगा ताकि आप उस माहौल में एडजस्ट कर पाए। कुछ लोगों के लिए वो आपके लिए काफ़ी एडवेंचरस रहेगा, काफ़ी मज़ेदार रहेगा उस नया काम को सीखने में और उस नया काम को ज्वाइन करने में भी। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ फैमिली आउटिंग तो कंपलसरी है, हो सकता है फैमिली को लेके दादा दादी नाना नानी को लेके कुछ दूर आप जाए और वहाँ पे जैसे होता है ना सब लोग आ जाते हैं तो बहुत मस्ती है बहुत ज़्यादा। आई डू फाइंड कि कुछ समय के बाद लक विल ऑल्सो बी इन योर फेवर। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेहनत करते हैं परिश्रम करते हैं, ठीक है बहुत ज़्यादा इधर उधर का इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं, बहुत जानकारी हासिल करते हैं, फिर भी तरक्की क्यों नहीं होता है? बिकॉज समवेयर यू नो व्हाट, सब कुछ चीज़ साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सब कुछ के पीछे भी जहाँ पे साइंस नहीं पहुँचते हैं वहाँ पे ही पहुँचता है दिस ऑकल्ट साइंस। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि कर्म जो हमने किया है पूर्व जन्म में कर्म जो किया है उसका जो फल है वो हमें मिलता है इस जन्म में भी और प्रेजेंट कर्म में भी। सो आई डू फाइंड लाइक दैट योर प्रेजेंट कर्म एंड द प्रीवियस कर्म विल ऑल्सो स्टार्ट ओके गिविंग यू रिजल्ट। तो कुछ लोगों के लिए बेनिफिट्स मुझे इन द फॉर्म ऑफ मैरिज टूर एक्टिविटीज़ ऑप्शंस इस तरह से दिखाई दे रहा है। जैसे आपको पता नहीं मैं ये ड्रेस नहीं लूँगी, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, हो सकता है मार्केट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में अगर आप सर्च कर रहे हो तो आप देख रहे हो आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा वो थोड़ा सा आपके मन के अंदर चल सकता है, फिर आप डिसाइड कर ही लेंगे। उसी तरह से हर एक चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आ टोटल चेंज इन योर लाइफस्टाइल। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू। थोड़ा सा क्यूज हम देख लेते हैं फिर हमारा शांति हो जाता है, फिर आपका शांति फिर हमारा भी शांति। ओके ऑलराइट, सो लेट्स सी आफ्टर द 7-7 पोर्टल व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। सो आप बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाएंगे, कुछ ऐसा घटना तो ज़रूर होगा जैसे आपका हाँ ऐसा हो गया तो मैंने सोचा भी नहीं था, और कुछ चीज़ों को लेकर नर्वस भी आप हो सकता है, लेकिन होपफुल उम्मीद आपका ज़रूर बना हुआ रहेगा। डॉलर डॉलर इट्स अ डॉलर ओके। सो फाइनेंशियल जो क्रंच आपका था, लकी मोमेंट्स ऑफकोर्स लकी मोमेंट्स, कुछ लोग न्यू करियर स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ लोग पुराने रिलेशनशिप को टाटा बाई बाई अलविदा करने वाले हैं। बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि जिस तरह से एक स्केच आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे कल्पनाओं को अपने उस कैनवस के ऊपर सजाते हैं, उसी तरह से आप अपने जीवन के जो रंगीन पल है उसको भी सजाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव योर लॉर्ड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।